आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टिकट पर कांग्रेस के महामंथन की। दिल्ली से खबर है, राजस्थान को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। एआईसीसी मुख्यालय में बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित चुनाव समिति के 16 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही जो 32 सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। गौरव गोगोई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान बैठक के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और लिखा है, बचत, राहत, बढ़त और हिफाजत और उत्थान, कांग्रेस के सुशासन से ऐसे बदला राजस्थान, भरोसा है हमें कि जनता फिर से देगी आशीर्वाद। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, एक तरफ कांग्रेस का टिकटों को लेकर महामंथन जारी है और इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ट्वीट सामने आया है। राजस्थान के सुशासन को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं विश्वास जताया है कि जनता एक बार फिर से चुनेगी। बिल्कुल, देखिए हिमाद्री के 10 करीब 9 बजे जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई थी। करीब कह सकते हैं कि करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और उसके बाद राहुल गांधी और साथी जो सह प्रभारी वगैरह हैं वो यहाँ से निकल गए हैं। और इसी बीच कह सकते हैं बैठक जब जारी थी तो इसी दरमियान जो है खड़गे ने एक तरह से ट्वीट किया था और सरकार को लेकर ट्वीट किया था कि राजस्थान में जो हमने सरकार बनाई, उन्होंने विश्वास जताया कि वो फिर से लेकर सरकार बना दें। दूसरी तरफ बात करें हम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का, कांग्रेस की बैठक का, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि भाई जो कांग्रेस है वो अपने केंद्रीय चुनाव समिति कब करेगी ये सब का। लेकिन आप देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से आज सवा तीन घंटे तक बैठक के अंदर मंथन हुआ और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि करीब पहले ये माना जा रहा था कि 120 से 140 के बीच जो है पहली सूची जारी कर सकते हैं और 106 का सिंगल पैनल का नाम जो है भेजा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की ओर से, जिस तरीके से कह सकते हैं कई चीज़ों पर संतुष्टि नहीं जताई गई है, कई पैनल पर जो उनका सर्वे रिपोर्ट थी उससे मैच नहीं होने के चलते कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं रोल बैक हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं। कुछ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, साथ ही अलाउंस भी हो गया 22 अक्टूबर को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और 25 को वापस सीएससी हो सकती है। ऐसे में आज जो लिस्ट जारी होगी वो 100 सवा 100 की बजाय हो सकता है ये 60 और 80 के आसपास पहुँच जाए, यानी कि जो कुछ लिस्टों में जो नाम हैं वो कम हो सकते हैं। पर पहले यही प्लानिंग थी कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर 140 के आसपास जो सीटें हैं उनका अनाउंसमेंट कर दिया जाए, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी और खड़गे का रवैया था या कहें कि उस पर जो रिएक्शन था स्क्रीनिंग कमेटी के, वो केवल कह सकते हैं पूरा सका उनके प्रति नहीं, लेकिन वो जमीनी स्तर की जो रिपोर्ट हैं, सर्वे हैं, उसके आधार पर लेकर कहा है, जिसके बाद से ही कह सकते हैं काफ़ी कुछ गहमागहमी है। बैठक खत्म होने के बाद भी कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटावसरा फिलहाल एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद हैं, सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और साथ ही खड़गे के साथ भी बैठक कर रहे हैं। लगातार ये बैठकें कह सकते हैं वो, इसलिए आप गौरव गोगोई को देख सकते हैं, गौरव गोगोई जो हैं बैठक से बाहर आ चुके हैं और कह सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं गौरव गोगोई और वो बाहर आ चुके हैं। देख पा रहे हैं हम सीधी तस्वीरों में क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो है गौरव गोगोई वो निकलकर अब केसी वेणुगोपाल के जो चैम्बर है उसकी तरफ जा रहे हैं, यानी एक पहली सूची पर जो है कांग्रेस ने मुहर लगा दी है और मुहर लगाने के साथ ही जो है बैठक समाप्त होने के साथ ही पहली सूची जो कांग्रेस की है उस पर मुहर लग चुकी है और मुहर लगने के बाद अब ये है पता चलेगा कि करीब जो 60 से लेकर कम से कम 60 और अधिकतम जो है 80 के 85 की सीट होगी, जो घोषणा आज शाम तक हो सकती है या कल सुबह तक हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वो करीब 12:15 बजे ही समाप्त हो चुकी है और अब करीब देखिए 1 घंटा हो चुका है इस पूरे मामले में और धीरे धीरे चूंकि पीछे अंदर सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में आप जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं वो कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, इसके बाद वो जोधपुर हाउस, क्योंकि उनका अभी तक जयपुर लौटने का अभी तक कोई प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं बना है, यानी कि अभी कुछ बैठकें और हो सकती हैं, या अक्सर उनका यह रहा है कि जब उनका प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं रहता है तो कुछ न कुछ वो मुलाकातें करते ही हैं। देखना ये होगा
कि अब जब ये सीईसी की बैठक से निकलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहाँ मुलाकात करते हैं, आज सुबह भी देखिए कि सीईसी की बैठक में आने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केशु वेणुगोपाल से मिले थे, उनके घर जाकर मिले थे, और ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा सकती है। फिलहाल जो राजस्थान से आए हुए हैं प्रत्याशी हैं या प्रत्याशियों के समर्थक हैं, जो दावेदार हैं, माफ़ कीजिएगा, जो दावेदार हैं, वो दावेदार जो क्या कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं गौरव गोगोई, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी तरफ AICC मुख्यालय के बाहर जो हैं कार्यकर्ता और जो दावेदार हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। सुबह से ही विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कुछ दावेदारों को लेकर, संभावित प्रत्याशी जो हो सकते हैं किस बात को लोगों को लगता है कि प्रदर्शन हो रहा है, इस वजह से उनके खिलाफ ये विरोध इसलिए हो रहा है कि कुछ दावेदार जो है उनके खिलाफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकल रहे हैं, मेरे साथ ही सौरभ जो है वो अपनी तस्वीरें दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कभी भी बाहर आ जी। सारी जो टीम है पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में अगर बात करें बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो उससे बात हो सके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही, देखिए कि बाहर आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री अगर कुछ बात कर सके तो। बिल्कुल निजाम, तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है जब कि टिकट के दावेदारों की एक तरफ लाइन है, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, और इस बैठक से बाहर आते हुए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, गौरव गोगोई बाहर आ चुके हैं, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 60 से 70 उम्मीदवारों के नामों की सूची वो आज शाम तक जारी हो सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आप कुछ सुना? तो चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाइट देने पहुंचे थे लेकिन शोरगुल इतना ज्यादा था कि बिना बाइट दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल गए। तो वही आपको बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस का टिकटों को लेकर मंथन जारी है, 60 से 70 नामों पर लगभग जो है ये मंथन अभी पूरा हो चुका है जिसकी लिस्ट शाम तक जारी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में लगातार कांग्रेस का मंथन, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी अभी खत्म हुई है, नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला, सभी लोग जो है वो मिल रहे हैं, सभी लोग जो है मिल रहे हैं, और बिल्कुल हिमाद्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही PCC चीफ डोटासरा प्रभारी रंधावा इन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। देखो जो प्रदेश से प्रत्याशी आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं एक तरह से, चलो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उनसे मुलाकात हो जाए, कुछ पता चल जाए जी। फिलहाल देखिए क्या कि CC को लेकर जो है मुख्यमंत्री नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि ये पूरा मामला जो है एक तरह से हाईकमान तक पहुंच जाता है, और ये हाईकमान के मामले में बिल्कुल। तो देखिए निजाम यहाँ पर मीडिया से बातचीत करने तो पहुंचे थे, बेशक है माधुरी देखिए कि एक बेहद महत्वपूर्ण है, कोई भी चीज बाहर कह पाना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल। और कई चीजें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं, और इसके साथ ही अगर बात करें तो अब मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है फिलहाल नहीं आया है सामने कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि हम कोशिश करते हैं जो प्रभारी रंधावा है और उसके साथ ही कोशिश कीजिए बात करने की, क्या कुछ मीटिंग में चर्चा हुई है उसको लेकर कुछ अपडेट मिल सके। सर रंधावा सर, सर एक कमेंट तो आराम से बात कर लेते हैं सर, एक बार सर डाउन तो करो, खुलता ही नहीं है, हम गेट खोल दे रहे हैं।
चलिए आपको बता दें कि सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है एआईसीसी मुख्यालय पर और तमाम जो नेता हैं उनका निकलने का क्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना हो चुके हैं, इसके साथ ही पूरी तरह से एक तरह से अब जो है ज़्यादातर जो लोग हैं जुड़े हुए हैं राजस्थान से जुड़े वो आप देख पा रहे हैं, कुछ लोगों का प्रदर्शन है किसी पक्ष में तो कुछ विरोध में। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं प्रत्याशी हो चाहे बाहर भीड़ लगी हुई काफ़ी चल रही है। मेरे पास आवाज कम आ रही है, क्या उनको कहेंगे आवाज बढ़ाएं? जी निजाम, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माफ कीजिएगा आवाज। तो चलिए आपको बता दें कि सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकल चुके हैं, जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, साथ ही गौरव गोगोई निकल चुके हैं और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी निकल चुके हैं। किसी ने भी बैठक को लेकर मीडिया से किसी तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में 7 से 70 नामों पर मंथन हुआ है और ऐसे में जो कांग्रेस की पहली सूची है वो आज शाम तक या कभी भी जारी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।